वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम हूं दसेर। हम वशरिया काफी टाइम से हम लोग बोल रहे थे फुट ओवर ब्रिज करो, कोई मतलब अहमदाबाद में कोई काफी यूनिक किस्म का ब्रिज खुला है, एक न्यू टूरिस्ट अट्रैक्शन है। मतलब टूरिस्ट बहुत ज्यादा उधर मतलब अपनी तरफ माइल कर रहे हैं। वो ऐसा कोई ब्रिज बना मैंने नहीं देखा अभी तक, कैसा होने लगा है वो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। अहमदाबाद की न्यू अट्रैक्शन इसको बोला जा रहा है फुट ओवर ब्रिज। अभी तक देखते हैं क्या है, उद्घाटन हुआ, क्या सीन है, ये वीडियो देखेंगे तब पता लगेगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। कैसी ब्रिज होने लगी है और यूनिक बोला जा रहा है, तो देखते हैं, काउंट डाउन करते हैं, स्टार्ट। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। नमस्ते, आई एम साक्षी सिंह एंड वेलकम यू टू द वाइब्स ऑफ इंडिया। सो राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इन द मोस्ट ब्यूटिफुल ब्रिज कंस्ट्रक्टेड इन अहमदाबाद, द मोस्ट ब्यूटिफुल ब्रिज ऑफ द कंट्री। सो वन मोर अट्रैक्शन इज एडेड ऑन द रिवर फ्रंट, द कंट्रीज मोस्ट यूनिक फुट ओवर ब्रिज इज रेडी। जैसा कि आपको मैंने बताया कि हमारे यहाँ पे न्यू ब्रिज का इनॉग्रेशन होने वाला है, अहमदाबाद का सबसे खूबसूरत ब्रिज बनाया गया है और यहाँ पे कई लोग आए हुए इसको देखने के लिए उसके इनॉग्रेशन से पहले ही। तो ये हमारे सारे जो राजस्थान पाली से आए हैं खास ये ब्रिज देखने के लिए। सर आपको कैसे पता चला है ब्रिज के बारे में? हमको जब अहमदाबाद आए थे आज हम किसी से मालूम पड़ा कि नया ब्रिज बना हुआ है, हम देखने चले आए हम आज। तो कैसा लगा आपको ये ब्रिज? बहुत शानदार बना हुआ है, एकदम बहुत शानदार बना हुआ है, एकदम लुकिंग शानदार है। नहीं है वो रास्ता में नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है। और आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। यहाँ पे रहते हैं अहमदाबाद में। अच्छा आप अहमदाबाद में ही रहते हैं? ओ तो फिर ये आप वेट कर रहे हैं इसके इनॉग्रेशन के चालू होने का, फिर आएंगे आप लोग भी? बहुत ही बढ़िया ब्रिज बनाया गया है वैसे। वन अट्रैक्शन आफ्टर अनदर इज बीइंग एडेड बाय अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अंडर द साबरमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट इन अहमदाबाद सिटी। एट प्रेजेंट द कॉर्पोरेशन हैज कंस्ट्रक्टेड अ यूनिक 300 मीटर लॉन्ग ओवर ब्रिज कनेक्टिंग द ईस्ट एंड वेस्ट ends of the river front. At the seaplane, cruise and boating, now Ahmedabadis will also experience this foot over bridge. The bridge has been constructed at the cost of rupees 74 crores. This bridge is considered to be the most beautiful bridge in the country. Work on this bridge is began in 2021 and this will be open from both upper and lower prominence, RCC pile foundation and steel support. RCC flooring on this bridge and glass railing are there as you can see. They have kite shaped sculpture and the seatings are in the middle of this bridge which is 10 to 14 meter. Plantation of lawns and grass as you can see around me is there. There are even dynamic LED lights put on which changes color. So yes, that's the beauty of this foot over bridge which is constructed in Ahmedabad. Do visit after the inauguration. Ahmedabadis, you can see that this is the best bridge in Ahmedabad constructed all over. And the beauty of this bridge, you can come and feel here the beauty of this bridge. It's totally different. लग भी रहा है। तो कैसा लगा आपको ये ब्रिज? बहुत नाइस, सो ब्यूटीफुल है यहाँ पे जगह सब बच्चों को देखने के लिए, के फैमिली के साथ देखने के लिए। आपको कैसा लगा ये ब्रिज देखकर? बहुत ही अच्छा। बहुत अच्छा है। फोटो खिंचवाने की जल्दी हो रही है आपको, है ना? तो आप यहाँ पे खास ये ब्रिज देखने के लिए आए? हाँ, पैसे भी देते देखते। कैसा इनॉग्रेशन का वेट हो रहा है मोदी जी? या मोदी जी ने अच्छा बनाया है। ओके, और कुछ बोलना चाहेंगे आप ये ब्रिज के बारे में? ना वो खूबसूरत है, मैं फर्स्ट टाइम बच्चों को लेके घूमने यहाँ आना चाहिए। How excited are you for this bridge? हमको तो बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन अब हम चाहते हैं कि अंदर जा सके, लेकिन अंदर जा नहीं दे रहे वाले मोदी जी ओपन ही करेंगे फिर भी अंदर जा सके के बाद जा नहीं सकेंगे हम तो, लेकिन बहुत एक्साइटेड है कि हम अंदर जाके फोटो वोटो खींचे और बहुत ही शानदार हमारा मतलब अहमदाबाद का बढ़िया बना है पुल, सबको अच्छा लगता है यहाँ के। हाँ हाँ, अहमदाबाद के। तो अहमदाबाद के बाकी ब्रिज के मुकाबले आप इसको कैसे? बहुत ही अच्छा, इसको फाइव से ज्यादा रेट देंगे। तो क्या अलग है इसमें और बाकी ब्रिज में?
बाकी ब्रिज में तो हमको, चलो बाकी ब्रिज भी सही है, लेकिन इससे ये बनाया है मोदी जी ने तो बहुत ही अच्छा बनाया, सबको खूबसूरत लगता है। आप भी देख सकते हो, सब देखेंगे कि चलो फोटो वोटो खींचा है कि सब बाहर का हो ऐसा लग रहा है जैसे हम फॉरेन में आ गए हो। मोदी जी, हाँ मोदी जी कुछ भी करते, मोदी जी अच्छा ही करते हैं, मोदी जी के आगे कोई नहीं। गुजरात, थैंक यू फॉर मोर सच अपडेट्स, कीप वॉचिंग वाइब्स ऑफ इंडिया एंड स्टे ट्यून्ड। ये नीचे देख सकते हैं, देख सकते हैं वो शीशे जो वजन फैलते हैं भाई, नीचे आप देख सकते हो पानी गुजरते हुए, यार क्या बात है, बैठ के पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो, अलग वाइब है यार। हाँ भाई इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। यार सच में बहुत प्यारा ब्रिज है यार, सच में एस्थेटिक्स बनानी है और वाइब्स टोटली आपने लेनी है तो ये ब्रिज आपके लिए सीरियसली। और इसकी ब्यूटी इस तरह, आप इधर मतलब पिक्चर लोगे ना, आपकी बेस्ट पिक्चर आएगी वो, सीरियसली ऐसी ब्रिज है भाई। पीछे से टोटली ऊपर वो कलरिंग चेक किया मुझे भाई, कलरिंग की बहुत कमाल की इन्होंने, कहा है कि लाइट्स में मतलब मुख्तलिफ कलर चेंज भी कर दिए हैं, और साथ में ये देख यूं अंदर भाई प्लांट्स लगे इस तरह के भाई, ये जिगजैग मतलब नहीं यूनिक सा लुक दिखता है बंदे को। और यार आपसे एक और बात पूछनी थी यार, सर ये अहमदाबाद में इस तरह का ही है या और भी इस तरह के बने हुए हैं भाई? मैंने ये एक ही जगह पे बने, मैंने फर्स्ट टाइम देखा, और शायद अगर हो तो हमें नहीं पता, लेकिन पता होगा मुझे लग रहा है, हमें भी फर्स्ट ही लग रहा है, बहुत यूनिक सा मतलब यार। और भाई मजे की बात, जगह जगह पे मतलब प्लांट्स लगे हैं, बैठने की सिटिंग की प्लेसेस है, मतलब बैठ के आप अपनी पिक्चर्स बना सकते हो, बिल्कुल वाकई में इधर जो भी आएगा पिक्चर ही बनवाना लाजमी होगा यार। और भाई और रात को जो ग्लास नहीं था, रात के टाइम वो देखना, उसमें भी कलरिंग होगी तो देख लेना। और भाई मैं एक मजे की आपको बात बताता हूँ, वो जो फुल व्हाइट बीच में कलर एक अलग दे रहा है, अच्छा इस तरह बंदा सीधा देखे ना ऐसा लगता है सीधा जा रहा है, लेकिन कुछ कॉस्ट नहीं है देखा जाए, बहुत कमाल मतलब का बना फिर भी यार। मतलब हमने पिछली वीडियो एक देखी थी, उसमें ट्रेन बनने में 100 करोड़ लग जाते हैं, ये तो पूरा ब्रिज बन गया यार, मतलब इतनी कॉस्ट नहीं है उस लिहाज से देखा जाए 74 करोड़, बहुत अच्छे में प्रोजेक्ट बना और बहुत ही कमाल का प्लेस है, कमाल का मतलब टूरिस्ट आएंगे, मतलब इंडिया के देश के मुख्तलिफ कोनों से लोग आएंगे इधर, मुख्तलिफ जगहों से आएंगे, राजस्थान से आए थे, वो बोल रहे थे कि यार पूरे राजस्थान में मैंने देखा। गाइस कौन कौन गुजरात से, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना, और प्लीज ये बता देना कि इसका उद्घाटन कब है, हम उस दिन तक आके देखें यार, बहुत प्यारा यार लग रहा है। इधर यार वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।